मिटर्जी के क्रम में, धातुकर्म के क्रम में आज हमको लास्ट टॉपिक पढ़ना है, वो हमारा होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, धातुओं का परिष्करण। जैसे मेटलर्जी के क्रम में आपने कल पढ़ा था कि कैसे हम लोग मेटल को, जैसे मेटल के जो हमारे ओर होते हैं उसका स्मेल्टिंग प्रोसेस करते थे। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस में आपने यहाँ पर बताया था कि जो हमारा रोस्टेड ओर होता है उस रोस्टेड ओर को किसके साथ गर्म करते थे, कोक यहाँ पर था और यहाँ पर था हमारा फ्लक्स। तो जो रोस्टेड ओर था, रोस्टेड ओर प्लस कोक प्लस फ्लक्स को जब हम हीट कर देते थे तो जो कोक का काम होता था वो मेटल को रिड्यूस कर देना होता था, जबकि जो यहाँ पर इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटीज थे, अगलनीय शुद्धि थे, उससे जो हमारा फ्लक्स था वो क्रिया करके स्लैग में कन्वर्ट हो जाता था और जितनी सारी बेस्ट गैसेस इस प्रोसेस में बनती थी वो सारी बेस्ट गैसेस फर्नेस के ऊपरी सिरे से बाहर निकल जाती थी। तो कुल मिला के यहाँ पर स्मेल्टिंग से आपको यहाँ पर मोल्टन मेटल मिल गया था। ये जो मोल्टन मेटल होता है, मोल्टन मेटल में जो मेटल की शुद्धता होती, प्योरिटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 95-98% होती है। फिर भी 3-4% में यहाँ पर इम्प्योरिटीज हमारी रिमेन से रह जाती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को यहाँ पर दूर करने के लिए उसका हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, वो हमारा कहलाएगा रिफाइनिंग ऑफ मेटल, फिर धातुओं का परिष्करण। तो जो यहाँ पर हमारा स्मेल्टिंग के थ्रू आपको मोल्टन मेटल मिला है उसी मोल्टन मेटल का यहाँ पर आपको रिफाइनिंग करना है, ताकि हमको 99.98% और 99.99% आपको प्योर मेटल यहाँ से ऑब्टेन हो जाए। तो उस प्रोसेस में जो हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, धातुओं का परिष्करण है, उसमें जो हमारा सबसे पहला है वो हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है मेटल की रिफाइनिंग में, सबसे मेन रोल इसी का होता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अप्रॉक्सीमेटली मेटल का रिफाइनिंग हम इसी प्रोसेस के थ्रू करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसे हम विद्युत अपचयन विधि कहते हैं। इसमें एक प्रकार का देखा जाए तो सेल होता है, सेल है तो इलेक्ट्रोलाइटिक की प्रोसेस निश्चित तौर पर होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक थ्रू, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा ही यहाँ पर हमको उस मेटल में, उस मोल्टन मेटल में जितनी सारी इम्प्योरिटीज होती है उनको दूर करके आपको यहाँ पर प्योर मेटल को ऑब्टेन करना होता है। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की, जिसके द्वारा हम लोग मोस्टली कॉपर मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, सिल्वर मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं और गोल्ड मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। मेनली यहाँ पर जो कॉपर मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है फ्रॉम कॉपर पैरेट, उसका हम एक्सट्रैक्शन यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा सेल होता है, एक टैंक होता है। इस टैंक में हम सबसे पहले क्या भर देते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर देते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं, उस टैंक में यहाँ पर हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर देते हैं जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। सबसे मेन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यही होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन कर रहा है। जब तक इलेक्ट्रोलाइट नहीं भरा जाएगा तब तक यहाँ पर प्रोसेस वो प्रोसीड होते ही नहीं है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। अब इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप की हुई दो राडे हैं और दोनों राड यहाँ पर जिस मेटल का हमको रिफाइनिंग करना होता है उसी का होना चाहिए, बट एक प्योर होना चाहिए, एक इम्प्योर होना चाहिए। इम्प्योर वही होती है जिसको आपको प्योर करना हो, मतलब स्मेल्टिंग के थ्रू जो यहाँ पर आपको मोल्टन मेटल मिली थी उस मोल्टन मेटल, मतलब उस मोल्टन कापर या ब्लिस्टर कापर की जो यहाँ पर राड होती है वो हमारी एनोड का कार्य करती है। यहाँ पर देखिएगा, एक दो तीन, ये थ्री राड यहाँ पर हमने लगाई है जो हमारा इम्प्योर कॉपर प्लेट है। ये वही इम्प्योर कॉपर प्लेट है जिसका हमको यहाँ पर रिफाइनिंग करना होता है, ताकि हमको 99.98% के आसपास यहाँ पर प्योर कॉपर यहाँ पर प्राप्त हो जाए। यहाँ पर इम्प्योर कॉपर जो होता है वो एनोड का कार्य करता है, जबकि इसी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप की हुई जो हमारी प्योर कॉपर की प्लेट होती है, एक दो तीन, ये हमारी प्योर कॉपर की प्लेट है। ये हमारा किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। अब हम क्या करते हैं, एनोड और कैथोड को इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, तब यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन स्टार्ट हो जाता है। तब उस प्रोसेस में होता क्या है कि जो यहाँ पर हमारी इम्प्योर कॉपर प्लेट है ये उस सॉल्यूशन में, मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में
घुलने लगता है, डिजॉल्व होने लगता है। जब इम्प्योर कॉपर प्लेट पूरी तरीके से यहाँ पर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा, तो जो यहाँ पर प्योर कॉपर होगा, वो प्योर कॉपर जो होगा वो कैथोड पर जाकर के यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पर जाकर के यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक समय ऐसा आता है कि जो हमारी कैथोड जब पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, तो जब यहाँ से प्योर कॉपर जाकर कहाँ पर डिपॉजिट होगा, कैथोड प्लेट पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, तो इस कॉपर प्लेट की जो राड होती है वो हमारी हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है। जबकि इसमें जितने सारे इम्प्योरिटीज होती हैं वो एनोड मड के रूप में यहाँ पर नीचे आपको देने में मिलने लगती है। जो प्योर कॉपर होता है वो जाकर के इस कैथोड प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस समाप्त होता है, इस हम प्योर कॉपर की प्लेट को जो है हमारा कैथोड का कार्य कर रहा था उसको निकाल करके यहाँ पर जो चिपका हुआ कॉपर होता है उसको हम खुरच लेते हैं। खुरचने के बाद जब उसके एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर जो कॉपर है उसकी जो प्योरिटी है वो 99.98% और 99.99% यहाँ पर प्योर कॉपर है। जबकि जितनी सारी इम्प्योरिटीज थी वो यहाँ पर यहाँ पर नीचे बैठ जाती है। तो इस प्रकार से इस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू हम कॉपर का, सिल्वर का और गोल्ड का हम आसानी से रिफाइनिंग कर सकते हैं। जिसमें केवल आपको यही ध्यान रखना होता है जिस मेटल का यहाँ पर हमको रिफाइनिंग करना होता है उसका जो इम्प्योर होता है वो हमारा एनोड का कार्य करता है, जबकि उसी प्योर मेटल की जो प्लेट होती है वो कैथोड का कार्य करती है, और उस मेटल के सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है, साल्ट सोल्यूशन होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करती है। जब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करते हैं जो हमारा एनोड होता है वो बिलियन में डिजॉल्व हो जाता है, और उसमें से जितना प्योर मेटल होता है वो जाकर के कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस समाप्त हो जाती है, कैथोड को निकाल करके हम खुरच लेते हैं, स्क्रैच कर लेते हैं, तब वहाँ से जो हमको मेटल मिलती है वो लगभग 99.98% यहाँ पर हमारी प्योर मेटल होती है। सो इट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक मेटल फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड।